कक्षा भी विषय गणित अध्याय 12 हिरोन का सूत्र प्रश्नावली 12 का प्रश्न क्रमांक 5। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चढ़ने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा भुजा 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि एबीसीडी समचतुर्भुज व एसी बराबर से है 48 मीटर, इसका क्या है लिखा है, इसलिए इस विकर्ण के सापेक्ष जो दो त्रिभुज बन रहे, एक बन रहा है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी और दूसरा बन रहा है क्षेत्रफल त्रिभुज एसीडी। ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, कारण क्योंकि पहला विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, इसे इसे दो समान क्षेत्रफल वाले, इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है, त्रिभुजों विभक्त करता है। अब इसे देखेंगे, किसी एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लो हम निकालते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का, हिरोन के फार्मूले का उपयोग करेंगे, कर्णी के अंदर एस एस ऋण एस ऋण एस ऋण सी, जहां पर हम जानते हैं एस मतलब त्रिभुज की अर्ध परिमाण, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे दो। यहां देखेंगे एक भुजा 20, दूसरी 30 और तीसरी 48। मतलब सबसे पहले हम लिख रहे 48 धन 30 धन 30 बटे कितना, तो 48 धन 30 धन 30 बटे कितना दो। जब हम 48 और 48 48 में 30 और 30 को जोड़ेंगे तो मान हमारे पास कितना आ जाएगा 108। 108 में जब हम दो का भाग देंगे तो ये मान आएगा कितना 54 मीटर, 108 बटे दो ये मान आएगा 54 मीटर। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर से करने के अंदर पहला मान है 54, फिर 54 में 48, अगला 54 पुनः 54 30। अब ध्यान से देखिए तो 54 के गुणनखंड को हम ऐसा 9 6 54 लिख सकते, 54 में से जब 48 घटाएंगे तो 6 आएगा और 54 में से 30 को घटाएंगे तो 14 14। ऐसा सिर्फ पेयर बन जाए इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ध्यान से देखिए 9 का वर्गमूल को हम 3 लिख सकते हैं, साथ ही साथ 6 का पेयर भी कंप्लीट है, 3 गुणित 6 गुणित 14 का 6 में गुणा 14 6 84, और उस समय जब हम 3 का गुणा करेंगे तो मान हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो यह होगा, इसको घटाएंगे तो हमारे पास 14 क्या है 24 क्या है 24 ये आएगा 24 गुणित 6, तो 6 24 से 4 हासिल होते 2 6 12 2 14, और इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 12 2 हासिल किए 3 6 12 13 हासिल किए 3 3 4, ये मान हमारे पास आ गया कितना 432 वर्ग मीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल, तो कंप्लीट एबीसीडी। इसलिए समचतुर्भुज
एबीसीडी का क्षेत्रफल, यानी कि जो आपके पास क्षेत्रफल आया है उसमें हम दो का ज्ञात करेंगे गुणा, क्षेत्रफल में हम दो का गुणा करेंगे। क्षेत्रफल के लिए एबीसी का हमारे पास आ गया कितना, तो वो आ गया है 435, दो का जब गुणा करेंगे तो दो दूनी चार, दो दूनी छः, दो चौके आठ, कितने वर्ग मीटर, कितनी गायों के लिए, 18 गायों के लिए, क्योंकि 18 गायों के लिए कितना 864 वर्ग मीटर क्षेत्र की घास, क्षेत्र की घास उपलब्ध है, इसलिए कितनी एक गाय, तो एक गाय कितनी होगी, तो 864 में हाँ 864 में हम 18 क्या कर देंगे भाग, 864 में जब हम 18 का भाग देंगे तो छोटी छोटी संख्याओं से मान लो काट देंगे, क्या 2 × 18, 2 × 4 8, 2 × 3 6, 2 × 2 = 9 से काट देंगे, 9 × 36 बचे 7 9 8, कितना एक गाय के लिए कितना 48 वर्ग मीटर क्षेत्र की घास उपलब्ध है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।